यार अपने नौजवान लोग अपने नौजवानों को बदनाम करते रहते हैं, अपने नौजवानों को गुमराह समझते रहते हैं। नहीं दोस्त, आज हमारा नौजवान नेक से नेक बनना चाहता है, लेकिन नेक बनने के लिए माहौल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है उसको। आज है नौजवान ऐसी रखना चाहते हैं, वो नेक बनना चाहते हैं, वो पाक दामन बनना चाहते हैं, लेकिन माहौल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, सहूलतें फराम नहीं की जा रही हैं, उनका रहनुमाई नहीं की जा रही है, उनका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा है, उनको बस बदनाम करके छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सामने हमारे। आज ईमानदारी से आप देखेंगे किसी भी नौजवान के हाथ को पकड़कर पूछो कि भाई क्या तुम जहेज लोगे, वो कहेगा कि नहीं शेख मैं जहेज नहीं लूंगा। आज कोई नौजवान जहेज नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ की जबरदस्ती से वो खामोश बैठ जाता है, खाला की जो है जबरदस्ती खामोश बैठ जाता है, पुप्पू की जबरदस्ती खामोश बैठ जाता है, वो खामोश बैठ रहा है, लेकिन डिमांड वो नहीं करता है, माँ कर रही है। जिस दिन माँ कहे के बेटा तो हमें जहेज लेना नहीं है, तो कोई नौजवान आगे बढ़कर लड़के वालों से नहीं पूछता कि मुझे जहेज दो, नहीं पूछता, माँ पूछती है, माँ पूछ रही है, भाई ये लड़की है, ये लड़का है, अब जो है रिश्तों की बातें चल रही हैं, अब लड़की वाले जो है लड़के वाले से पूछते हैं कि भाई कुछ चाहिए क्या तुम लोगों को, कुछ चाहिए क्या तुम लोगों को, अभी बता दो, ऐसा होता ना भाई, कुछ चाहिए तो बोल दो अभी भाई क्या है। अब बाप बोलता नहीं भाई अल्लाह का दिया बहुत है, हमें कुछ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इनको यकीन नहीं होता। अम्मा खामोश बैठे हुए, अम्मा खामोश बैठे हुए, बाबा बोल रहे जरूरत नहीं, इनको यकीन नहीं आता, भाई बोल रहा हमको जरूरत नहीं, इनको यकीन नहीं आता, चाचा बोल रहे हमको जरूरत नहीं, इनको यकीन नहीं आता, क्यों? माँ खामोश बैठी हुई, हाँ उसके दिल में कुछ न कुछ है, सारे लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं, तो इनको यकीन नहीं आ सकता, मां अगर कहे कि हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा यकीन आ सकता है। घर में मां अगर कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो पॉसिबल है, माँ खामोश है, सब लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उनको यकीन नहीं आता, अब खामोश है, लेकिन जाने के बाद होने के बाद ताने देना शुरू करते हैं, मौल साहब जिंदगी भर ताने सुनना पड़ता है, इसलिए दे दो खलास। ये ताने कौन सुनते रहते, बाद में हमारी बड़ी बहू को उतना दिए, हमारे बड़ा बेटे को ये दिए, हमारी बड़ी छोटे बेटे को ये दिए, मंझले बेटे को ये दिए, बोलते रहते समझा आप। अब अगर जो है ये बच्ची बगैर वॉशिंग मशीन की आ जाएंगे ना, तो वो वॉशिंग मशीन जिटानी की है, अगर उसमें धोएंगे तो उन्हें गुस्सा हो जाती, डर जाती है बेचारी, प्रॉब्लम है, समझे आप, प्रॉब्लम है। आज नौजवान अच्छा बनना चाहता, लेकिन घर की माँ उसको बेहतर माहौल प्रोवाइड करने की जरूरत है।